हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे। संडे की अगर बात की जाए तो आज बड़े दिनों बाद मैं अपना एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और इस ब्लॉग में इस हेलमेट की, ये जो मेरा एग्जॉर का हेलमेट है, इसका एक फुल रिव्यू वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके सामने रखा है पूरा सामान, जिसमें ये रहा मेरा हेलमेट एग्जॉर का, और इसके साथ मिलने वाली एक्सेसरीज की बात की जाती है तो इसका एक नॉर्मल सा स्पॉयलर है जो कि इसमें लगता है पीछे से, जो कि इसके लुक को बहुत ही इन्हेंस कर देता है। और साथ ही साथ ये छुटकू सा है स्पॉयलर, ये छुटकू सा स्पॉयलर देखने बहुत क्यूट सा लगता है। और ये है एग्जॉर की स्टिकर, साथ ही साथ हमें मिलता है ये ब्लड ग्रुप का एक स्टिकर, जिसे जिसका जो भी ब्लड ग्रुप इसके साथ यूज़ कर सकता है। और ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और जिस पर ये पूरा सामान रखा हुआ, ये इसका है कवर, देखिए इस पर भी ये एक्स लिखा हुआ है। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये कवर है, जिसमें इस हेलमेट को सेफली रख सकते हैं। ये हमारे सामने है हेलमेट। और अगर हेलमेट की बात की जाए तो ये देखिए, इसका ये जो लोगो लगा हुआ है, ये 3D है, 3D लोगो है, ये एक नंबर का बहुत बढ़िया क्वालिटी का लोगो है। इसके फ्रंट प्रोफाइल में ये इसका है वाइजर, ये खुल जाए भाई, यही क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। साथ ही साथ इसमें ये लगा हुआ है डिफॉगर, ये डिफॉगर अलग से लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे इनबिल्ड है, दोनों तरफ ये पिन लगी हुई है। ठीक, अब अंदर की ये सामने की बात कर लीजिए। और ये है आपका एयर वेंटिलेशन के लिए फ्रंट पे, ठीक। और साथ ही साथ ये देखिए निकल गया है, इसको यहाँ पे लगा भी सकते हैं, ये लग जाएगा। और जरूरत पड़ने पर इसको निकाल भी सकते हैं, ऐसे निकल भी जाता है। अगर आपको कैमरा वगैरह माउंट करना है तो माउंट अगर पहनाते हैं तो उसमें इसको निकाल भी सकते हैं, निकाल के फिर वापस लगा भी सकते हैं। ये है इसका सनवाइज़र, ये सनवाइज़र है इसका, देख सकते हैं। इसके साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ से इसको, इसका जो मेन वाइज़र है, इसको निकाल भी सकते हैं, निकाल के साफ़ वगैरह कर सकते हैं। साइड में ये आप देखेंगे आपके लेफ्ट में ये पड़ेगा, जिससे कि इसे क्या होता है, इससे आप इसको लगा सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, फिर वापस एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल होता है, क्योंकि रात में तो इसका यूज़ होता नहीं है, रात में यूज़ नहीं होने की वजह से इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसको आप ऐसे खींच के अंदर कर सकते हैं। इसकी वेट की बात की जाए तो वेट इसका 1600 ग्राम, जो कि एक अच्छा वेट है। और यहाँ पे इसका दोनों स्पॉयलर लगता है, चाहे छोटा वाला लगा सकते हैं आप, चाहे बड़ा वाला स्पॉयलर यहाँ पे लगा सकते हैं। और साइड प्रोफाइल में फिर अगर राइट साइड में आते हैं तो सेम प्रोफाइल है इसमें, इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ है। और अगर इसको बंद करके देखा जाए तो ये है वेनमस की आँखें, जो कि बहुत ही प्रेम लुक देती है इसका। और फ्रंट से ये देखिए, और ये मैंने मैट कलर में लिया है। साथ ही साथ अगर ध्यान से देखते हैं तो इस पर ये छोटी छोटी छींटे हैं, बूंद पेंट की छींटे हैं, जो कि इसके लुक को और ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे वेंटिलेशन की, तो ये है दूसरा वेंटिलेशन इसका, ये ऐसे वर्क करता है आगे पीछे की ओर, और ये दोनों साइड है, इधर भी है, ये इस साइड भी है, दोनों साइड इसका ये वेंटिलेशन है। चलिए, ये तो हो गई इसके बाहर के स्ट्रक्चर की बात हो गई। अगर अंदर की बात करते हैं तो ये आप इसको ऐसे पलट के देखिए, ये देखिए सबसे बड़ी बात ये जो इसके सेफ्टी फीचर की बात किया जाए तो ये डबल पिन लॉक के साथ आता है। ये देखिए एग्जॉर की ब्रांडिंग भी है यहाँ पे, डबल पिन लॉक के साथ आता है ये, जो कि एक अच्छे ब्रांड की क्वालिटी होती है, वही देते हैं इसमें। नॉर्मल हेलमेट में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पे एयर स्ट्रोक को रोकने के लिए, विंड स्ट्रोक को रोकने के लिए यहाँ पे है। अगर आप मोटर ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो ज़्यादा आवाज़ ना जाए, ज़्यादा हवा ना जाए, उसको रोकने के लिए। साथ ही साथ इसकी पैडिंग, ये देखिए साइज लिखी हुई, मैंने एल साइज का ऑर्डर किया, ये पैडिंग देखिए, पैडिंग क्या थिकनेस है इसकी, और ये बहुत सॉफ्ट कुशनिंग में आता है, बहुत ही सॉफ्ट कुशनिंग में है ये। ये रेड कलर के स्ट्रिप लगा हुआ है अंदर से, जिसमें और भी ज़्यादा कूल लगता है। और ये रिमूवेबल है, ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है, इसको वॉश करके आप दोबारा इस पर सेटअप कर सकते हो। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में ये ऐसा लुक आता है। और देखिए अलग से ये काल की पैडिंग के लिए है, इतनी सेफ्टी फीचर्स के बाद इसका वेट तो बढ़ना लगता है। ये देखिए यहाँ से अगर हम
इसका मेन वाइजर है, इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ यहाँ से इसको पुल और पुश करना है, इतने पे ये निकल जाता है। निकाल के साफ करके वापस लगा सकते हैं। ये देखिए इसके फ्रेम के ये चारों तरफ यहाँ पर रबड़ लगा हुआ है, ये पूरा रबड़ लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार की हवा अंदर नहीं जाएगी अगर ये प्रॉपर बंद है, क्योंकि बंद होने के बाद ये पूरा सील पैक हो जा रहा है। ये उतनी ही हवा अंदर जाएगी जितनी आवश्यकता है। अब इसका एक सिनेमेटिक देख लेते हैं। अब चलते हैं, इसमें माउंट करते हैं अपना GoPro, इसको लगा के थोड़ा ड्राइव करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इसका रिस्पांस है। इसका जो स्ट्रिप है उसको माउंट करते हैं, स्ट्रिप को माउंट करने के बाद कैमरे को माउंट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको राइडिंग मोड में, फिर देखते हैं कि मतलब राइडिंग करते समय इसका क्या परफॉर्मेंस है, कितना एयर स्ट्रोक आता है कि नहीं आता है, और बिल्ड क्वालिटी कैसी है, साथ ही साथ इसका जो कम्फर्टेबल लेवल है उसको भी टेस्ट करते हैं। पहले इसको मैं इसमें लगा लूँ स्पॉयलर। दोस्तों इसमें मैंने ये बड़ा वाला स्पॉयलर लगाया है इसमें, और इसको लगाने के बाद इसके लुक को आप देख सकते हैं। वाव क्या लग रहा है, वाकई में इसका लुक कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। देखिए VNMS, इसे कहते हैं भाई क्वालिटी, नो कम्प्रोमाइज़। इसका छोटका वाला भी स्पॉयलर है, उसको तो मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, पहले इसको लगा लिया हूं मैं। अब मैं चलता हूं सीधे, आपको मिलता हूं राइडिंग मोड में। अब ये हेलमेट में कैमरा लग के तैयार है, लेकिन 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 जब मैंने अपना कैमरा माउंट किया तो मुझे इसमें से मुझे ये निकालना पड़ गया, ये जो लगता है आपकी टुड्डी के पास हेलमेट की, जिससे कि एयर स्ट्रोक वगैरह ना जाए, बट मुझे निकालना पड़ गया क्योंकि मेरा जो चिन माउंट है ये स्ट्रिप वाला है, इसकी वजह से मुझे इसको निकालना पड़ गया। अब इसको मैंने माउंट कर लिया है। कैमरा माउंट करने के बाद इसका वेट अच्छा खासा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 1600 ग्राम का है, और 250 से 300 ग्राम का ये कैमरा, प्लस इसका ये जो मीडिया मोड है, साथ ही साथ इसका ये चार्जिंग अडॉप्टर, इसके साथ ही साथ इसमें एक माइक भी लगी हुई है। इसके बाद ये टोटल इसका वेट, अब इसको वेट करके बताना पड़ेगा, वैसे तो ये मुझे लग रहा है कि 2 किलो के आसपास हो जा रहा है। 1600 ग्राम ये, 400 ग्राम ये, टोटल 2 किलो वेट, और आपके सर पे 2 किलो का वेट है, प्लस इतना बड़ा स्पॉयलर भी यहाँ लगा हुआ है पीछे। ठीक, मुझे लगता है कि जो 1600 ग्राम ये लिखा गया है यहाँ पे, ये इसमें स्पॉयलर का वेट इंक्लूड नहीं होगा। पूरे वेट को अगर इंक्लूड किया जाए तो 2 किलो के आसपास का पूरा सेटअप आपका तैयार होता है, जिसमें मैंने इसको निकाल दिया है पैडिंग को। ये है पूरा इसका पूरा सेटअप। इसको लगाने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है, ये ऐसा साइड में और ये फ्रंट है। ये मैंने अपना कैमरा माउंट कर लिया है हेलमेट पे, इसको पहन लें अपने हैंड ग्लव्स को, बिकॉज इसके बिना तो राइड अधूरी है अपनी। जैसे जैसे गर्मी आ रही है, मुझे मेरा हैंड ग्लव्स मुझे टाइट लग रहा है। इसका रीज़न ये है कि मेरे हाथ में पसीना बहुत होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे लेंस लगा हुआ है इस हेलमेट में, इसके सन वाइजर में मुझे लेंस की फीलिंग आ रही है। किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन नहीं है, और हेलमेट थोड़ा भी ढीला मुझे फील नहीं हो रहा है। अब पूरी राइडर वाली फीलिंग आ रही है, यहाँ वाकई में कोई राइडर बाइक को चला रहा है, और बाइक भी वही है, माई बीस्ट पल्सर 220F। ये तो सही जा रहा है। सनवाइजर से ही मुझे लग रहा है कि कुछ दिक्कत मुझे फील हो रही थी, दिक्कत नहीं कह सकते उसको, इसकी जो क्षमता है डार्कनेस वाली वो ज़्यादा बेटर मुझे फील करा रही है। हाँ यस, ये बात तो है। और उसमें क्या है, जो मेरा स्टील बर्ड का हेलमेट है या चाहे स्टड्स का जो मेरा हेलमेट था, उसमें इतनी डार्कनेस नहीं थी जितना इसके अंदर है। ये बहुत सही लग रहा है भाई साहब, बहुत सही लग रहा है। हाँ मेरे गाल थोड़े दबे हुए हैं, यस गाल मेरे थोड़े दबे हुए मुझे फील हो रहे हैं, बट मुझे लग रहा है मुझे इसकी भी आदत पड़ जाएगी। आई होप आवाज़ भी सही रिकॉर्ड हो रही होगी और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होगी।
मुझे तो भाई ये हेलमेट सही लग रहा है। दोस्तों अगर बात करें इसके कंफर्ट लेवल की, तो इसकी जो पैडिंग है मेरे गाल के पास वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जाके बैठी हुई है। मेरा गाल एकदम दबा हुआ है, लेकिन मुझको उससे इरिटेशन फील नहीं हो रही है। लग रहा है कि हाँ, मतलब कोई परफेक्ट चीज़ मैंने पहन रखी है और कॉन्फिडेंस भी मेरा आ रहा है इसकी वजह से। जैसे ही मैं अपना ब्लैक वाला मिरर खोल रहा हूँ, मतलब उसको लगा रहा हूँ अपने आँखों के सामने, मेरे सामने पूरा अंधेरा छा जा रहा है, लेकिन ये मुझे अच्छा फील करा रहा है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं फील हो रही है, मुझे कोई कमी नहीं लग रही है इसकी वजह से। वैसे गजब का कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको लगाने के बाद बाइक चलाने में, बहुत ज़्यादा। ओ भाई साहब, ए चाचा कहाँ जा रहे हो? थोड़ा फोकस करके चलाना पड़ रहा है। अगर मैं अपना ब्लैक वाइजर ऑन कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा ही फोकस करना पड़ रहा है। दूर अगर देख रहे हैं, दूरी को अगर कवर कर रहे हैं तब कोई इशू नहीं है, बट अगर नज़दीक में देख रहे हैं तब थोड़ा इशू हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस की और इसके रिव्यू की बात करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का हेलमेट है। इसकी जो कुशनिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी जो पैडिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ इसका जो वेट है 1600 ग्राम का, वो वेट भी अगर आप बढ़िए एक सही साइज का हेलमेट यूज़ करते हैं तो ऐसा समझिए कि आपको वेट पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मैंने 1600 ग्राम 1500 ग्राम या 2 किलोवाट का हेलमेट पहन रखा है। क्योंकि अगर वो आपके सिर पे जाके पूरी तरह से प्रॉपर बैठ जा रहा है तो आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। कि जैसे अगर हेलमेट ढीला रहता है तो ऐसे करने पर आगे चलाता है या ऐसे वेट पता चलता है उसका, वेट उसका ओवरलैप होता रहता है दाएं बाएं, बट इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कैमरा भी हीट हो रहा है, वैसे फिलहाल ये बंद है लेकिन अभी मैं राइड करके आया हूँ तो ये भी हीट हो रहा है। ये रहा मेरा फुल ऑन एक्सपीरियंस इस हेलमेट एक्सोर के साथ, एक्सोर वेनम एस के साथ। और अगर इसके सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो सर्टिफिकेशन देख ही रहे हैं, इसका डॉट का सर्टिफिकेशन है, प्लस ईसीई का सर्टिफिकेशन, प्लस इंडिया का आईएसआई का भी सर्टिफिकेशन इसके साथ है। तीनों कैटेगरी का सर्टिफिकेशन इसका है तो, और टॉप क्वालिटी का सर्टिफिकेशन है, इसलिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं हेलमेट के साथ अपनी डेली लाइफ के साथ। और अगर आप कोई बढ़िया हेलमेट ढूंढ रहे हैं अपने राइडिंग सेटअप के लिए तो मैं रिकमेंड करता हूं एक्सोर का वेनम एस। अगर बात करते हैं इसकी कमी की कि इसमें कमी क्या क्या है, अगर हम बात करते हैं इसकी कमी की, इसमें क्या क्या कमी है, तो कमी की बात करें तो ओवरऑल मुझे कोई कमी नहीं लगी। हाँ, इसका जो सन वाइज़र है, जैसे ही मैं इसका सन वाइज़र इसको आगे कर दे रहा था तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा मतलब लेंस वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे मेरे आगे लेंस लगा हो, बड़ा छोटा या गड्ढा ऊपर नीचे, ऐसा टाइप का कुछ दिख रहा था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसके साथ, हो सके मुझे इसकी आदत पड़ जाए भविष्य में, फिलहाल मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है। वैसे मैं सन वाइज़र का हेलमेट पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मेरा स्टील बर्ड का जो मैंने नया लिया वो भी है, स्टड्स का मेरा जो हेलमेट था उस स्टड्स स्ट्रोम उसमें भी वो था ये स्पेसिफिकेशन सनवाइज़र वाला, लेकिन इसका जो सनवाइज़र है कुछ ज़्यादा ही डार्क है तो मैं उससे थोड़ा घबरा जा रहा था। मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मैं बार बार उसे ऊपर कर दे रहा था, मुझे ये समझ में आया। और बिना सनवाइज़र के ये मेरे लिए बेस्ट हैं। मैं सनवाइज़र भी यूज़ करूँगा, मुझे आदत पड़ जाएगी, मुझे पता है इसकी आदत पड़ जाएगी, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं नॉर्मल सनवाइज़र भी यूज़ किया था तो मुझे दिक्कत हुई थी, तो उस हिसाब से ये बेस्ट हेलमेट है। इसकी पैडिंग ए ग्रेड की है, इसकी कुशनिंग ए ग्रेड की है, इसका जो बॉडी वेट है थोड़ा ज़्यादा है बट वो भी कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर सेफ्टी चाहिए तो भाई चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार पटक दिए टूट गया या बेकार हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल मैं इसको 5 में से 4.5 नंबर देता हूँ। और ये 0.5 जो नंबर मैंने काटे हैं वो क्यों काटे हैं, वो मैंने काटे हैं इसके सनवाइज़र के, बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ
अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए, अगर फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।